से कंफर्ट आएगा कि हाँ हमको सर सारे क्लॉजेस याद है, हमको सारे पार्ट्स याद है, हमको सारे स्केड्यूल्स याद है। तो गेट रेडी, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, अब है क्लॉजेस रिविजन करने की बारी। पहला सर सबसे पहले क्या आता है, सर सबसे पहले आता है फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल में हमने बात की थी पार्ट वन की, पार्ट टू की, पार्ट थ्री की, पार्ट फोर की। पार्ट वन किसकी बात करता था, पार्ट वन बात करता था सीए इन प्रैक्टिस। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्लॉज वन। क्लॉज वन क्या कहता था पहले समझते हैं। क्लॉज वन कहता था अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है तो उसके बिहाफ पे कौन प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने कहा दूसरा बंदा भी सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लस या तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, या तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, कोई और उसके नाम में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो लेट्स से व्हाट द क्लॉज सेज। Clause says a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name unless such other person is also a CA in practice. दूसरा बंदा भी CA in practice है and is in partnership with or employed by him. अगर उसका partner और employee है तो फिर चल जाएगा। इस clause को लाया क्यों गया था सर, इस clause को लाया गया था to protect the public interest. कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट्स एक्टिंग अंडर द कवर ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। सेकंड थिंग, इफ द अदर पर्सन इज हिज पार्टनर, इफ द अदर पर्सन इज हिज एम्प्लॉय, दैट पर्सन विल बी वर्किंग अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ सीए इन प्रैक्टिस। दूसरा बंदा इसके कंट्रोल और सुपरविजन में काम करेगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा सीए इन प्रैक्टिस भी हो और या तो इसका पार्टनर हो या इसका एम्प्लॉय हो। यहां पे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था सर, सीए संत और सीए पंत वाला क्वेश्चन हमने किया था कि पंत ने संत को अलाउ किया अपने नाम में प्रैक्टिस करने के लिए, बट संत को ना तो सैलरी मिलती थी ना कोई फीस मिलती थी, ना तो सैलरी मिलती थी ना कोई उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता था, यानी ना तो वो एम्प्लॉय था ना तो वो पार्टनर था। क्योंकि एम्प्लॉय और पार्टनर नहीं था, इस वजह से क्लॉज वन पार्ट वन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हुआ। तो क्लॉज वन तो बड़ा सिंपल सा था। फिर हम क्लॉज वन के बाद गए क्लॉज नंबर 12 पे। सर क्लॉज 12 क्या कहता है, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तब इफ ही अलाउज अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, और क्या बोल रहे हो सर, क्लॉज 12 में प्रैक्टिस इन द नेम नहीं था, साइनिंग था। तो इफ ही अलाउज अ मेंबर ऑफ आईसीआई नॉट इन प्रैक्टिस, अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को अलाउ कर दिया जो मेंबर ऑफ आईसीआई प्रैक्टिस में नहीं है या फिर वो आपका पार्टनर नहीं है, किस चीज के लिए अलाउ किया, टू साइन ऑन हिज बिहाफ और बिहाफ ऑफ हिज फर्म। क्या साइन करने के लिए अलाउ किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है बैलेंस शीट और पीएनएल। ये चारों चीजें अगर आपने साइन करने के लिए अलाउ करी तो दिक्कत हो जाएगी। बट एक बात बताओ दिल पे हाथ रख के, कई ऐसे रूटीन मैटर्स होते हैं जिनको अपन डेलीगेट कर सकते हैं, क्या उनको मैं डेलीगेट कर दूं, कहते करो। अगर टैक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना है, रूटीन रिप्रेजेंटेशन बिफोर टैक्स अथॉरिटीज है, कर सकते हो। उसका सेक्शन क्या था, उसका सेक्शन क्या था, जो टैक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका सेक्शन क्या था सर, सेक्शन 288। तो सेक्शन 288 में जो टैक्स रिप्रेजेंटेशन है उसको डेलीगेट करो। क्लाइंट से इंक्वायरी करनी है, क्लाइंट से बातें पूछनी है, उसको डेलीगेट करो, कोई झंझट नहीं है। जितने भी रूटीन मैटर्स है आप उनको डेलीगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डू इट होल हार्टेडली। गॉट द पॉइंट, यस सर। फिर अपना तीन क्लॉज अपन ने साथ साथ पढ़े थे सर, क्या थे 2, 3, 4 तीन क्लॉजेस अपन ने साथ साथ पढ़े थे सर। 2 क्या कहता है, 2 बड़ी सिंपल सी बात कहता था, जो भी आप कमाओ उसका शेयर किसी को मत दो। यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउज, इफ ही पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ एनी शेयर कॉम ब्रो, एनी शेयर कॉम ब्रो, एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स टू एनी पर्सन, किसी को भी दोगे तो गिल्टी हो जाओगे अदर देन मेंबर ऑफ आईसीआई, हिज पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इन लोगों को आप दे सकते हो। साथ ही साथ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन उनको भी दे सकते हो। सर इसका क्या मतलब था, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी हमारे भाई बंधु, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए हो गया, एएए, एडवोकेट आर्किटेक्ट एक्चुरी, एडवोकेट आर्किटेक्ट एक्चुरी, एडवोकेट जैसा कौन है, मैंने कहा लॉयर, लॉयर को भी दे सकते हो। और हमारा और कौन कौन रह गया, मैंने कहा एमबीए रह गया, इंजीनियर रह गया, इनको भी दे सकते हो, इनको भी दे सकते हो। साथ ही साथ
अगर किसी सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, अगर किसी सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, गो गोवा गॉन, तो क्या उसका लीगल हियर उसकी गुडविल मार्केट में सेल कर सकता है? कहते हैं हाँ, बट द सेल शुड बी कंप्लीटेड विद इन वन ईयर ऑफ डेथ। आपको आईसीआई का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा सेल करने से पहले, साथ ही साथ क्या लीगल हियर और बायर ऑफ गुडविल फीस शेयर कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, लीगल हियर और बायर ऑफ गुडविल फीस शेयर नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग हमने मिस्टर कुरेशी और मिसेस कुरेशी का एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस किया था। और सर क्लॉज थ्री आता है, क्लॉज थ्री क्या कहता है? टू में देते नहीं, थ्री में लेना मत, टू में देते नहीं, थ्री में लेना मत। यानी अगर आपने एक्सेप्ट किया या एग्री टू एक्सेप्ट किया एनी पीओपी, सर पीओपी का क्या मतलब था? एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपने कोई भी पीओपी एक्सेप्ट किया ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, तो बाबू आप यहां पे क्लॉज थ्री में गिल्टी हो जाओगे। सर एक बात बताओ, जिनके साथ क्लॉज टू में शेयर कर सकते हैं क्या उनसे क्लॉज थ्री में ले भी सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जिनको आप क्लॉज टू में शेयर कर सकते हो उनसे आप क्लॉज थ्री में ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताओ, आईसीआई ने क्या कहा? सर आईसीआई ने कहा पार्टनरशिप्स बढ़ती जा रही है, तुम लोग पार्टनरशिप का गलत फायदा उठा रहे हो क्लॉज टू और थ्री में, तो फोर में क्या किया? पार्टनरशिप पे बैंड लगाई इन्होंने, फोर में क्या किया? पार्टनरशिप की बैंड बजाई। यानी अगर आपने पार्टनरशिप एंटर करी इन और आउटसाइड इंडिया विद अ मेंबर इन प्रैक्टिस, विद एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर इन प्रैक्टिस और सच पर्सन हु हैज अ मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और विद प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन है दैट इज परमिटेड बाय सीओसी। सर ऐसी क्वालिफिकेशन है दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीओसी। सीओसी का क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप। तो फिर आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे, तो फिर आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे। अब साथ साथ बताना क्लॉज फोर में सर दिक्कत कहां आई थी? क्लॉज फोर में दिक्कत आई थी जब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उस एग्जाम्पल पे बंदे ने पार्टनरशिप में तो एंटर किया बट साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था, पार्टनरशिप में तो एंटर किया बट साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था, तो बिजनेस के लिए कौन सा क्लॉज ट्रिगर होगा? बिजनेस के लिए कौन सा क्लॉज ट्रिगर होगा? फटाफट बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। विच क्लॉज गेट्स ट्रिगर्ड इन केस ऑफ अ बिजनेस? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, 11। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई ऑक्यूपेशन और बिजनेस नहीं कर सकते, कोई और ऑक्यूपेशन और बिजनेस नहीं कर सकते। तो आ जाओ दुन 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 क्लॉज 11। सर क्लॉज 11 का मतलब क्या था? अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, कैन ही बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? आंसर इज यस, बट नॉट अ एमडी और WTD प्लस डायरेक्टर उसी कंपनी के जिसमें आपका पार्टनर ऑडिटर नहीं है, जिसमें आपका पार्टनर ऑडिटर नहीं है। साथ ही साथ आईसीआई ने एक बात बोली थी, उन्होंने कुछ परमिशंस दिए, जनरल परमिशन और स्पेशल परमिशन। क्या हम जनरल और स्पेशल का थोड़ा गेम खेल सकते हैं? हाँ सर खेल सकते हैं, एक एक करके पूछूंगा बताते जाना, एक एक करके पूछूंगा बताते जाना। इज ऑथरशिप ऑफ नॉन प्रोफेशनल बुक्स अलाउड? क्या नॉन प्रोफेशनल बुक्स की ऑथरशिप अलाउड है? आंसर इज यस, ऑथरशिप ऑफ नॉन प्रोफेशनल बुक्स इज अलाउड। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ऑथरशिप में ओरिजिनल कंटेंट आता है। वेरी वेरी गुड। क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अलाउड है? मैंने कहा हाँ, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो देश को आगे कौन बढ़ा रहा है? खेती बाड़ी। तो इन्होंने कहा सीएन प्रैक्टिस को क्यों बैठे हो खाली, उठाओ हल और लग जाओ ज्योति करने। सर ज्योति का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं आपने एग्रीकल्चर करना है। और सर और बताओ और क्या क्या कर सकते हैं? इसी तरह आप रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते थे, और बताओ स्पेशल मैजिस्ट्रेट बन सकते थे, आप एमएलए एमएलसी बन सकते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप नोटरी पब्लिक बन सकते हो, आप जस्टिस ऑफ द पीस बन सकते हो। तो इस तरह की जो अच्छी अच्छी चीजें वो कर सकते हो। क्या मैं प्राइवेट कोचिंग दे सकता हूं? हाँ सर प्राइवेट कोचिंग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताओ सर और क्या क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं जनरल परमिशन में आपको बताई थी, अगर आप चाहो तो एक बार फटाफट इनको रीड कर लेना। ठीक है सर, स्पेशल परमिशन में क्या है? मैंने कहा जनरल के अलावा जो भी बिजनेस करना है उसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। एग्जाम्पल,
अगर मैं कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहता हूं, दिस इज नॉट अलाउड। ये एक बिजनेस ट्रीट किया जाएगा, तो कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के लिए आपको स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आईसीआई का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो एडिटरशिप है ये एडिटरशिप किसकी अलाउड है? सर एडिटरशिप मतलब धंधा बढ़ाना, एडिटरशिप इज बिजनेस, इट इज मार्केटिंग बिजनेस, तो एडिटरशिप इज ऑनली अलाउड फॉर प्रोफेशनल जर्नल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जर्नल्स के लिए अलाउड है। इसके साथ साथ हमने एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड वाला पॉइंट डिस्कस किया था, वो ध्यान में रखना कि ऑडिटर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी कांट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सर ऐसा क्यों? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है पब्लिक कॉन्साइंस नीड टू बी केप्ट अहेड ऑफ द लॉ, उसको आपको लॉ के आगे रखना है। एंड अगर आप ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी को डायरेक्टर बना दोगे होल्डिंग का, तो हिज इंडिपेंडेंस विल बी अफेक्टेड। साथ ही साथ हमने ये बताया था, क्या आप एचयूएफ के कर्ता बन सकते हो? हाँ हम एचयूएफ के कर्ता बन सकते हैं, बट रिमेंबर आप एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी अपन ने डिस्कशन की थी क्लॉज 11 में, क्लॉज 11 में अपन ये डिस्कशन की थी, क्या सीए इन प्रैक्टिस बिकम कर सकता है एमडी ऑफ अ कंपनी? द आंसर इज इट विल बी डिस्कस टुमारो, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इट विल बी डिस्कस टुमारो। एक स्पेशल केस है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे आप किसी कंपनी के एमडी बन सकते हो, ठीक है, वो अपन स्पेशल केस अगली क्लास में डिस्कस करके चलेंगे। तो यहां हमारा क्लॉज 11 कंप्लीट हो गया था। फिर हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा क्लॉज नंबर 5, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आईसीआई पूछता नहीं और इसका कोई मतलब नहीं है, क्लॉज 5 को आप रीड कर लेना। फिर हमने पढ़ा सर क्लॉज 6 और 7, आहा, बड़े ही प्यारे बड़े ही आनंदमय क्लॉज। सर क्लॉज 6 क्या था? क्लॉज 6 कहता है सर से सॉलिसिट, यानी अगर आपने सॉलिसिट किया, आपने काम मांगा सर किससे? इफ यू आर सॉलिसिटिंग योर क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय कैपी। कैपी का क्या मतलब था सर? कैपी का मतलब था सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू, तो बाबू आप गिल्टी हो जाओगे, प्रोवाइडेड दो एक्सेप्शन याद रखना। सर पहली एक्सेप्शन क्या है? क्या मैं काम मांग सकता हूं दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से? कहता है हां, दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से साड़ी अलाउड है, यानी नथिंग इज प्रोहिबिटिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम अप्लाइंग। पहले स्टार्ट करते हैं सिक्योरिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग और इन्वाइटिंग वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस और रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स। बट टेंडर्स के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, अगर ये टेंडर एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मिनिमम फीस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है, ओपन टू ऑल, तो रिस्पॉन्ड करो, कोई रोकता नहीं है। क्या मैं ऐसे केस में अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकता हूं? हाँ, ऐसे केस में आप अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात। साथ साथ क्लॉज 6 में हमने बहुत सारी बातें की थी, एक सीए रीअपॉइंट होना चाहता है एज ऑडिटर, उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे, तो उसका स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्लॉज 6 ने बताया। वेबसाइट की गाइडलाइंस क्या होंगी? क्लॉज 6 ने बताई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में शादी है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, उसका इनविटेशन कार्ड वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को दे सकता है। अगर मेरा कोई दोस्त है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपने किसी क्लाइंट से मुझे मिलवाया, तो क्या उस क्लाइंट से मैं डायरेक्टली काम एक्सेप्ट कर सकता हूं? मैं कहूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली उस क्लाइंट से काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट, मैं कहूंगा मेरे दोस्त के वाया वाया हो, जो मेरा दोस्त प्रैक्टिसिंग सीए उसके वाया वाया हो, मैं उससे डायरेक्टली काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टेलीविजन और मूवी क्रेडिट, आखिरी में डायरेक्टर का नाम आता है, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता है, क्या सीए का नाम भी आ सकता है? हाँ, सीए का नाम भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सीए अपना नाम टेलीफोन डायरेक्टरीज में डलवा सकते हैं? हाँ सर, टेलीफोन डायरेक्टरीज में डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसी छोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें डिस्कस की थी, तो आप एक बार क्लॉज 6 से उसको रीड करके चल सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया सर क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या कहता था? क्लॉज 7 कहता था दो चीजें, जब आप गिल्टी हो जाओगे, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस। सर एडवर्टाइजेस क्या? Either the professional attainments or services, or uses any designation other than that of CA, or any degree allowed by the central government, or any other qualification or professional body that is permitted by the central government or council, वो भी आप use करके चल सकते हो।
वो भी आप यूज करके चल सकते हो। यू कैन ऑल्सो एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप। सारे बच्चे बताओ, जो हमारे राइटअप का फॉन्ट है, जो हमारे राइटअप का जो फॉन्ट है उसका फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? दैट फॉन्ट साइज शुड बी अप टू व्हाट? अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया चॉकलेट क्वेश्चन ऑफ द डे। जिस बच्चे ने सबसे पहले बताया उसको आज की चॉकलेट जाएगी। फटाफट बताओ, सबसे पहला आंसर दिया है किसने? ओ माय गॉड, सबके आ गए बट सबसे पहले जवाब दिया, अरे रुक जाओ, ये आ गया पायल भगवानी को जाते हैं आज की चॉकलेट। सो पायल, प्लीज रिमेंबर टू मैसेज मी आफ्टर द क्लास, आज की चॉकलेट आपके नाम। अब सर अगला क्वेश्चन, क्लॉज 8 क्या कहता था? सर क्लॉज 8 कहता था कम्युनिकेट। उससे पहले क्लॉज 7 में एक बात रह गई, ये जो डेजिग्नेशन है CA की, ये कहां कहां इसके अलावा जो डेजिग्नेशन है वो आप यूज नहीं कर सकते, बट कौन सी डेजिग्नेशन है जो यूज कर सकते हो? सर 2 डेजिग्नेशन आर अलाउड, एक तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दूसरी डेजिग्नेशन क्या थी? दूसरी थी इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी अलाउड है। CPA एज अ डेजिग्नेशन इज नॉट अलाउड, बट 3 CPA अलाउड है सर, CPA आयरलैंड, साइका साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्लस इंग्लैंड एंड वेल्स नहीं है सर, वो इंग्लैंड एंड वेल है, इनको भी कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो। तो प्लीज इन प्यारे प्यारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना। अच्छा एक सवाल और, जब इतनी प्यारी रिवीजन चली रही है तो एक बात और बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी ने क्या किया सर? उस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाली, उस प्रोस्पेक्टस में उसने क्या किया सर? उसने लिखी CA की एक्सपर्टीज, उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी नॉलेज। क्या ये CA गिल्टी होगा? हां सर हां, दिस CA विल बी गिल्टी। मैंने कहा विच क्लॉज सर? अंडर 2 क्लॉजेस 7 and 6 दोनों में गिल्टी होगा। ये ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स में दे रखा है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ये भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था 6 and 7 दोनों आएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट, इस पॉइंट को अपन ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर बॉस? यस सर। क्या प्यारी रिविजन हो रही है, दिमाग के ताले खुल रहे हैं सर। अब बताओ क्लॉज 8 माने कम्युनिकेट, 8 माने कम्युनिकेट। सर कम्युनिकेट का क्या मतलब है? अ CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स एन ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर हु वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिना पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेट करें अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो बाबू आप गिल्टी हो जाओगे। सर हमें कम्युनिकेट क्यों करना है? इट इज योर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एंड इट इज योर प्रोफेशनल ड्यूटी। ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है प्लस आपका प्रोफेशनल, एक वर्ड और था, प्रोफेशनल ड्यूटी है एंड ड्यूटी के साथ एक और पॉइंट था, बड़ा अच्छा वर्ड था। क्या वर्ड था सर? ड्यूटी है एंड प्रोफेशनल कर्टेसी। इतने प्यारे प्यारे अंग्रेजी शब्द झड़क रखे ना, मजा आ जाता है सर। प्रोफेशनल ड्यूटी है, प्रोफेशनल कर्टेसी है, ये जानना कोई रीजन तो नहीं है दैट यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। सर व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट? हो सकता है पुराने ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड फीस पेड ना हो सकता है कंप्लायंस ना हो विद सेक्शन 139-140, हो सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन हो। क्या क्वालिफाइड ओपिनियन का ये मतलब था ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, आप ये चेक करो पुराने ऑडिटर का एटीट्यूड इशू तो नहीं था। इफ देयर वॉज अ इशू विद द पुराना ऑडिटर एटीट्यूड देन तो आप एक्सेप्ट कर लो, बट अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करी फॉर जस्ट एंड वैलिड रीजन, उसने जस्टिफाइड और वैलिड रीजन की वजह से ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई की थी, देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। बट रिमेंबर देयर इज नो रूल रिटन और अनरिटन दैट यू शुड एक्सेप्ट द ऑडिट और नॉट, यू शुड कंसिडर द फुल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। सर चार तरीके बताओ जो ICAI एक्सेप्ट करता है कम्युनिकेट करने के, 2 देसी तरीके 2 विदेशी तरीके। बोलो मेरे साथ, 2 देसी तरीके 2 विदेशी तरीके। सर देसी तरीके क्या है? आरपीएडी मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। दूसरा देसी तरीका है जाके बाय हैंड दे दो, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लो। विदेशी तरीके क्या है? बाय ईमेल। सर ईमेल किस पे? ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद ICAI और लास्ट नोन
ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन। दूसरा यूडिन वाला तरीका है, ये आपने चार तरीकों से आप उसके साथ कम्युनिकेट करके चल सकते हो। ये बातें हमने कहीं ना कहीं क्लॉज 8 में करी थी। फिर अपन आ गए क्लॉज 9। क्लॉज 9 का क्या मतलब था? कंप्लायंस विद सेक्शन 139 एंड 140। अगर आपने कंप्लायंस विद सेक्शन 139 एंड 140 चेक नहीं करी और ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाओगे। एंड द लास्ट क्लॉज दैट वी डिस्कस्ड ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जो सबसे बड़ा पार्ट है, दैट वाज क्लॉज 10। क्लॉज 10 यानी कंटिंजेंट। आपकी जो फीस है, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, इट कैन नॉट बी कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ योर वर्क। बट रिमेंबर, देयर आर सम एक्सेप्शन। सर, एक्सेप्शन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो आप, रिसीवर और लिक्विडेटर हो आप, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो आप, फंड रेजिंग सर्विस दे रहे हो आप, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो आप, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस दे रहे हो, इस तरह की अगर सर्विसेज दे रहे हो, साथ ही साथ आप इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो या नॉन सर्विसेज दे रहे हो। सर, नॉन का क्या मतलब है? नॉन अश्योरेंस सर्विस टू अ नॉन ऑडिट क्लाइंट। नॉन अश्योरेंस सर्विस टू अ नॉन ऑडिट क्लाइंट तो भी ये सारी की सारी सर्विसेज चल जाएंगी। प्लीज रिमेंबर द रेगुलेशन नंबर 192। इसके बाद तो फर्स्ट शेड्यूल में कुछ बचा ही नहीं था। पार्ट टू में क्या आता सर? पार्ट टू में क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 कहता है जो भी आपको एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसमें से आप किसी को शेयर नहीं दोगे। सो इफ यू आर पेइंग और अलाउइंग, और एग्रीइंग टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन द एमोलूमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो बाबू आप क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 2 क्या कहता है? जिस कंपनी, जिस फर्म या जिस पर्सन के अंडर आप एम्प्लॉयड हो, उसने अगर किसी लॉयर को अपॉइंट किया है, किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया है, किसी सीए को अपॉइंट किया है, या उसका कोई कस्टमर है, तो आप उससे एनी पार्ट ऑफ एफपीजी नहीं ले सकते। सर, एनी पार्ट ऑफ एफपीजी का क्या मतलब है? एनी पार्ट ऑफ फीस, एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स और एनी पार्ट ऑफ गेन्स नहीं ले सकते इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। दिस इज नॉट अलाउड। ये हम अलाउ नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। पार्ट 3 का क्या मतलब था? पार्ट 3 तो बड़ा सिंपल पार्ट था। FFF। आप फेलो नहीं हो, अपने आप को फेलो कहते हो, क्लॉज 1। आप फेल हो जाते हो, सर फेल किस में? टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर बाय आईसीआई, उसका काउंसिल, उसकी कमिटियां, बॉडी डीडी डीसी, एपिलेट अथॉरिटी और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 3 क्या कहता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजोस ऑफ क्लॉज 6 एंड 7। फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजोस ऑफ क्लॉज 6 एंड 7, यानी व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए, व्हाइल रिस्पोंडिंग टू द टेंडर्स और इंक्वायरीज, व्हाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू अ राइट अप और एनीथिंग अंडर क्लॉज 6 और 7, अगर आपने फॉल्स दी तो क्लॉज 3 में गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 4 वाज अदर मिसकंडक्ट, यानी अगर आपको इंप्रिजनमेंट हो जाती है अप टू 6 मंथ्स तो क्लॉज 1, प्लस क्लॉज 2 व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। ये क्या कहता है? इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल यू हैव डन एनी एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट, देन अगेन यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 2। इसके साथ एक मक्खन वाली लाइन, सर मक्खन वाली लाइन क्या कहती है? Chartered accountant. A chartered accountant is expected to maintain highest standards of integrity even in his personal affairs. Any deviation from these standards will expose him to disciplinary action. साथ के साथ आपने वो लाइन भी लिख के चलनी है। जल्दी से बताओ, क्या फर्स्ट शेड्यूल के सारे क्लॉजेस ठकाटक क्लियर है? Please tell me, is the first schedule all clauses clear to all of you? अच्छे से दिमाग में बैठ रहे हैं? याद आ रही है जो बातें अपन ने इस पूरे हफ्ते डिस्कस करी हैं? All right, sir. हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। अब आता है सर सेकंड शेड्यूल, होले होले हो जाएगा, बहुत छोटा सा शेड्यूल है, फटाफट हो जाएगा। देखो क्या कहता है सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1, इसकी बात करेगा सीए प्रैक्टिस की। सबसे पहले बात करेंगे सर क्लॉज 1 की। क्लॉज 1 कहता था 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो कुछ अलग बात नहीं कहता,
और याद रखना भी मुश्किल नहीं है। सीधा बोलता है सर, एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब? इफ ही डिस्क्लोजेस द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट। क्लाइंट के अलावा किसी को भी अगर इसने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, देन ही विल बी गिल्टी अनलेस ही हैज टेकन द परमिशन ऑफ द क्लाइंट, ही इज परमिटेड बाय द क्लाइंट और required by the law for the time being enforced. अगर law की requirement हो तो disclose कर सकते हैं। इतनी सी बात clause 1 ने लिखी थी। सर clause 2 क्या था? clause 2, पहली बात तो 2 नहीं है, तमीज से बोलो, ये 2 नहीं 2 है। सर 2 का मतलब क्या था? कोई भी report on examination of financial statement देने से पहले, कोई भी report on examination of financial statement देने से पहले examine तो कर दो। सर examine कौन करेगा? या तो आप, या आपका partner, या आपका एम्प्लॉय, या कोई और सीए इन प्रैक्टिस, या कोई और सीए इन प्रैक्टिस। इन चारों में से कोई भी एग्जामिन करेगा तो चल जाएगा, इन चारों में से कोई भी एग्जामिन करेगा तो चल जाएगा। अब आते सर क्लॉज नंबर 3। सर क्लॉज 3 किसकी बात करता था? ईओई। ईओई का क्या मतलब था? सर क्लॉज 3 कहता था इफ यू आर परमिटिंग योर नेम और द नेम ऑफ योर फर्म, इफ यू आर परमिटिंग योर नेम और द नेम ऑफ योर फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद अ ईओई estimate of earnings. Sir, these earnings are estimated. These are contingent upon future transactions and you are doing this in such a way that the other person is believing. In a manner that it may lead the other person to believe that he vouches for the accuracy of the forecast. कहीं ना कहीं आप forecast की accuracy को vouch कर रहे हो तो बाबू आप guilty हो जाओगे। Sir, इसका मतलब क्या? हम projected reports नहीं दे सकते? दे सकते हो, but तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी। बस सर हमको पता है, बस हमको पता है। सर बस का मतलब क्या था? बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशन यूज्ड एंड सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। बस का मतलब था बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशन यूज, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आप ये लिखेंगे दैट यू डोंट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। आप इसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं करते, इतनी बात आपने बस लिख के चलनी है। प्लीज इतनी सी बात लिखते ना, ठीक है सर। क्लॉज 4 क्या कहता था? क्लॉज 4 नहीं, ये 2 स्क्वायर है। ये क्लॉज 4 नहीं, ये 2 स्क्वायर है। यानी पहला 2 किसका? 20% का। 20% यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दैट मींस अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी इन विच ही, हिज पार्टनर और हिज फर्म हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आप ओपिनियन नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं तो आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकते। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और एज अ डायरेक्टर आपने कंपनी से रिजाइन किया, तो इस ब्रेकअप के बाद कितने साल लगेंगे ओवरकम करने में? मैंने कहा 2 साल लगेंगे ओवरकम करने में, 2 साल लगेंगे रिबाउंड करने में। तो सर 2 साल का क्या मतलब है? 2 years का कूलिंग पीरियड लगेगा, 2 years का कूलिंग पीरियड लगेगा आफ्टर यू रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी एज अ डायरेक्टर। 5 और 6 एक जैसे थे। सर 5 और 6 एक जैसे क्या थे? 5 में था फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम दैट इज नॉट अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग व्हेन ही इज एसोसिएटेड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। एंड 6 क्या कहता था? Failure to report a material misstatement. Again, it is known to him and he is associated with the financial statement in professional capacity. Agar disclosure missing hai, toh 5. And agar material misstatement hai, toh 6. Ye point aapne yaad rakhne hai. And dono hi point mein isko sab pata hai. Toh itni si baat apan dhyan mein rakhenge. Clause 7 क्या कहता था? सर क्लॉज 7 कहता था हमको हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए? 7 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाएंगे। यानी सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 7 व्हेन ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। सर इसके साथ मक्खन वाली लाइन क्या थी? इसके साथ मक्खन वाली लाइन बड़ी सिंपल थी। व्हेन इज दिस क्लॉज अट्रैक्टेड? दिस क्लॉज इज अट्रैक्टेड when it is necessary to judge, जब जरूरी हो जाता है जज करना whether the chartered accountant has reasonably and diligently discharged his duties, क्या इसने अपना काम तौर तरीके से किया है या नहीं। दूसरा negligence का मतलब क्या है?
नेग्लिजेंस का मतलब क्या है सर? इट हैज अ वाइड मीनिंग. इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रंटियर्स ऑफ फ्रॉड टू कोलेटरल माइनर नेग्लिजेंस. फ्रंटियर्स ऑफ फ्रॉड से लेके छोटी छोटी गलतियों तक इसको कवर करते हैं. सेवंथ क्लॉज में सर हमको क्या करना है? आपने बस इस शीट को रिवाइज करना है. क्लॉज सेवन में बस आपने इस शीट को रिवाइज करना है. जो क्लॉज सेवन में मैंने आपको केसवानी के किस्से लिखवाए हैं, जो क्लॉज सेवन में मैंने आपको टेक्निक्स दिए हैं, बस आपने उन टेक्निक्स को रिवाइज करना है. कहां गई सर टेक्निक्स? कितने गई सी? जितनी टेक्निक लिखवाई थी वो कितने गई सी? ये री, अरे कहां गई? जुगाड़ फीट शुभम केसवानी, इन जुगाड़ों को बस आपने रिवाइज करके चलना है. और जो मैंने नोट्स में पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें जो भी मैंने रीड करने को कहे थे उनको रीड करना, बाकी पॉइंट्स को जहां इंपॉर्टेंट लिखवाए उनको आप ध्यान में रख के चलेंगे, उनको आप ध्यान में रख के चलेंगे. यस सर. क्लॉज एट क्या कहता था? क्लॉज एट कहता था आपके पास सफिशियंट एविडेंस होना चाहिए ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशियंटली मटीरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. यानी जो उसका इंपैक्ट है वो मटीरियल और परवेसिव है, देन यू शुड डिस्क्लेम योर ओपिनियन. बट आपने ओपिनियन अगर डिस्क्लेम नहीं किया तो फिर आप गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज एट. देन कम सर क्लॉज नाइन. नाइन क्या था? पिछला वाला नाइन क्या था सर? पिछला वाला जो क्लॉज नाइन था वो कहता था कंप्लायंस विद सेक्शन 139. ये कहता है कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया किसके साथ? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम यहां पे क्या बोलते हैं? गापा. सर गापा का मतलब क्या है? फेल्स टू इनवाइट द अटेंशन टू मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा, तो फिर सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी हो जाएगा. सर गापा मतलब जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग. इसके हमने तीन स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस किए थे. पहला स्पेशल पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट कहता है किसी भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने के लिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट हो उस पे आपका एफआरएन और एमएन होना चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप नंबर. तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? तीसरा पॉइंट था एक दिन, दो दिन, यूडिन. सर यूडिन का क्या मतलब है? कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट साइन करोगे तो यूडिन मेंशन करना जरूरी है, यूडिन मेंशन करना जरूरी है. तीन प्यारी प्यारी बातें बताई थी, इनको याद रखना. स्पेशल पॉइंट्स करके लिखवाए हैं, स्पेशल पॉइंट्स करके लिखवाए नोट्स में, इनको मत भूल जाना. अब सर क्लॉज 10, पिछली बार क्या था? जो हमारी फीस है वो कंटिंजेंट नहीं हो सकती, जो हमारी फीस है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं हो सकती. मैं कहता हूं क्या सर? फीस के अलावा जो भी क्लाइंट पैसे दे, फीस के अलावा जो भी क्लाइंट पैसे दे उसको आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है. यानी इफ यू आर फेलिंग टू कीप द मनी ऑफ द क्लाइंट अदर देन योर फीस और द मनी विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब अगले 10-15 दिन में आपने वो खर्चा करना है, उसके अलावा जो भी क्लाइंट का पैसा है इफ यू आर फेलिंग टू कीप इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और यूजिंग इट विद इन रीजनेबल टाइम, तो बाबू आप गिल्टी हो जाओगे. इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो एडवांस मनी है दैट एडवांस मनी इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लॉज, वो आप अपने अकाउंट में रखो क्योंकि आपकी फीस है. दैट एडवांस फीस इज योर, सो यू कैन कीप इट इन योर पर्सनल बैंक अकाउंट. फिर हमने डिस्कस किया सर पार्ट टू. पार्ट टू में कितने क्लॉजेस है? पार्ट टू में है चार क्लॉजेस. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है वो मैं आपको बता देता हूं. क्लॉज वन एंड क्लॉज थ्री. वन और थ्री के साथ काम चोरी मत करना. वन क्या कहता है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पीआरजी. सर पीआरजी मींस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइन. जो गाइडलाइन है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, काउंसिल जनरल गाइडलाइन. प्रोविजन का मतलब है इस एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं, रेगुलेशंस का मतलब है जो भी अपन अलग अलग से रेगुलेशन पढ़ते हैं. इसमें आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी आर्टिकल असिस्टेंट के साथ गलत हो रहा है, किसी आर्टिकल असिस्टेंट को लेके पंगा हो रहा है, तो 99.99% चांस है कि क्लॉज वन ही अट्रैक्ट होके चलेगा. क्लॉज टू क्या कहता था? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है इवन एज अ एम्प्लॉई. क्लॉज थ्री क्या कहता था? इफ यू आर इंक्लूडिंग इन एनी सिरफ. सर सिरफ का मतलब क्या था? स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म सबमिटेड टू ICI, उसका काउंसिल, उसकी कमिटियां, बोडी, डीडी, डीसी और एपेलेट अथॉरिटी और एनी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पर्टिकुलर्स नोइंग देम टू बी फॉल्स. आपने ऐसे पर्टिकुलर्स इंक्लूड करें जो आपको पता है गलत है, तो फिर ये आप यहां गिल्टी हो जाएंगे. एंड हमने यहां पे एक चीज डिस्कस की थी, जब भी फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात होती है क्लॉज थ्री ही आता है. जब भी फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात होती है क्लॉज थ्री ही आता है, तो इस क्लॉज को भी आप ध्यान में रखेंगे. फोर्थ था फ्रॉड. फोर्थ था फ्रॉड यानी अगर आपने क्लाइंट के पैसे को एम्बेजल किया, डेफलकेट किया, तो क्लॉज फोर में गिल्टी हो जाएगा. तो फिर क्लॉज फोर में गिल्टी हो जाएगा. एंड पार्ट थ्री क्या कहता है? इफ देयर इज अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 मंथ्स.
If there is an imprisonment of more than 6 months, then you will be guilty under part 2. Then you will be guilty under part 3. सारे के सारे clauses revised. सारे के सारे clauses classic तरीके से revise कर लिए.